हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों से अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। डेली मैं 4:30 से 5:45 बजे के करीब उठ जाती हूँ और यहाँ पे जो दूध है उसको मैं एक बार और फिर से गर्म कर लेती हूँ ताकि दूध फटे ना। और चाय के लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया है। मेरी सासू माँ है वो यहाँ पे सो रही हैं, वो उनका नींद दोपहर को नहीं पड़ता है क्योंकि बाई वगैरह आती रहती हैं, तो अभी वो सो रही हैं। तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया है कि आज अब सो रहे हैं उनको दिखाऊंगी। और यहाँ पे उनकी मेड बैठी हुई है। यहाँ पे 4 कप मैंने तैयार कर लिया है। घर में चाय पत्ती भी ख़त्म हो गई थी तो अब चाय पत्ती को चाय के कंटेनर में मैं डाल रही हूँ। अभी पापा जी ला के लिए हैं क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है तो इस मंथ थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे मैरी प्लस जो बिस्किट होता है, मैरी गोल्ड या मैरी प्लस, यही बिस्किट हम लोग खाते हैं। और सासू माँ के लिए शुगर फ्री बिस्किट होती है, वो बिस्किट यूज़ करते हैं। तो अब ये जो हम लोग का बिस्किट का एक डब्बा होता है वो अलग से ही रखा हुआ है, उसमें मैंने रख दिया है। चाय बन चुकी है मम्मी पापा जी के लिए, लाल चाय, और हम लोगों के लिए दूध वाली चाय। और मेरे बेटे के लिए मैंने यहाँ पर खाना भी उसका रेडी कर लिया है। और ये हमारे यहाँ कचरा बहुत जमा हो चुका है क्योंकि हमारे यहाँ कचरा उठाने वाला आता नहीं है, हम लोग को ही जाके डिस्पोज करना होता है। अरे लिली कौन आया? पानी दियो। तो आप लोगों ने देखा कि चाय बनाते बनाते ही जीत उठ के आ चुके थे मेरे पास, और उनके उठने से पहले ही मैं जाके चाय और उनका जो खाना रहता है इवनिंग का वो तैयार कर लेती हूँ ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे। और अब मैं यहाँ पे जो हम लोग सोए थे दोपहर को, तो मैं ब्लैंकेट वगैरह अच्छे से जमा के रख दे रही हूँ। और जीत को यहाँ पे कैमरा जो है वो दिख चुका है, तो वो धीरे से अब कैमरे के पास आ रहे हैं और अपने आप को देखते रहेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें रेसिपी, ब्लॉग्स, डेली रूटीन्स के सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ तो छत्तीसगढ़ की छोटी मोटी जो त्यौहार होते हैं उसके उससे रिलेटेड जो भी बातें होती है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो जीत है वो अपना मोजा गंदा कर चुका है, मतलब वो करीबन दिन में 2 से 3 बार अपना मोजा जो है वो गंदा कर लेते हैं। तो उनका जो मोज़े हैं वो जो मुझे बार बार चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और इसके जस्ट बाद मैं उनको खिलाऊंगी मोबाइल में कार्टून चला के, तो मोबाइल में रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊंगी उसको क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है। तो उनको खिलाने के बाद मैं चले जाती हूँ, जो हमारे यहाँ हाउस मेड आती है वो बर्तन धो के गई हुई हैं, तो ये जो बर्तन है ये मैं उनको जमा लूँगी धीरे धीरे एक एक करके। और साथ ही में मेरे पीछे में जीत खड़े हुए हैं, उनको भी ये प्लेट जो है जमाना बहुत पसंद है, बट मैं उनको करने नहीं देती हूँ क्योंकि डर लगता है, बर्तन जिसमें रखा हुआ है वो लोहे का है तो डर लगता है कि कहीं उनको लग ना जाए, तो वही मेरे पीछे में खड़े हैं वो। की बन अच्छो काओ 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 ए ए काओ कोथाय काओ ओटा काओ आर गोरिल्ला कोई ए जे होया की आर माउस कोई माउस इदूर 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 कोई गेलो आम माछ कोई माछ फिश आर मोर कोई मोर अरे बाबा रे ट्रैक्टर कोई ट्रैक्टर अरे बाबा। और जब वो ये सब चीज़ें कर लिए ड्राइंग वगैरह, इसी बीच में जब वो खेलते रहते हैं तभी मैं रात का खाना भी बना लेती हूँ जाके, रोटी और एक सब्ज़ी। और यहाँ पे वो अपनी दादी के साथ और दादू के साथ खेल रहे थे तो मैं बीच में आके रिकॉर्ड कर ली, ये करीबन 9:30 बजे का वीडियो है। हम लोग शाम को कुछ खाए थे, मुर्रा शायद तक झालमुड़ी या मिक्सचर वगैरह, तो वही ये कटोरी में लेके बिखेर रहे हैं और उनको यही सब करना पसंद है। खाना तो बहुत कम खाते हैं बट यही बदमाशियाँ बच्चों की चलती रहती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।